तो भाई रिसेंटली ह्यूंडई ने अपनी दमदार सेडान वर्ना के न्यू जनरेशन को इंडियन मार्केट में उतार दिया है और इसका एक शोरूम प्राइस 10,89,000 से स्टार्ट होकर 17,37,000 तक जाता है। गाड़ी ओवरऑल पूरी चेंज हो चुकी है अंदर बाहर हर तरफ से और अभी इसका जो लुक है वो काफी फ्यूचरिस्टिक है। हालांकि इस वाले लुक को बहुत लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रीवियस जनरेशन वाली वर्ना इससे बेहतर लगती है, लेकिन उम्मीद है धीरे धीरे सबको ही ये गाड़ी पसंद आने लगेगी। खैर वैसे तो हर चीज में ये अच्छी है, लेकिन जब बात आती है बिल्ड क्वालिटी की जो कहीं ना कहीं काफी इम्पोर्टेंट है, तो ह्यूंडई का नाम सुनते ही भरोसा उठ जाता है। कारण आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हालांकि वर्ना कंपनी की तरफ से एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसने काफी एक्सीडेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए इससे उम्मीद अभी भी बनी हुई है। और आज मैं आपको न्यू जनरेशन वर्ना का इंडिया में हुआ पहला एक्सीडेंट दिखाने वाला हूं, जिसे देखकर कुछ हद तक बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा लगेगा। इससे पहले भी इसी सेडान का एक एक्सीडेंट शेयर किया था मैंने, हालांकि वो बाहर का था। ये एक्सीडेंट कल ही यानी वर्ना के लॉन्च के दिन हरियाणा में शायद किसी जगह पर हुआ है, जिसको एक फेसबुक ग्रुप में शेयर किया गया है। हालांकि पूरा एक्सीडेंट ऑटो एक्सपी ने अपने चैनल पर कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि वर्ना जस्ट ह्यूंडई शोरूम से निकलकर कहीं जा रही थी, तभी एक टर्न पर मुड़ते समय लेफ्ट साइड से आ रही एक बुलेट ने सेडान को हिट कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार में थी, 80-90 के आसपास, इसीलिए राइडर टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा गाड़ी में आकर घुस गया। खैर टक्कर काफी जबरदस्त हुआ, जिसमें वर्ना आगे से बुरी तरह डैमेज हो गई। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं सेडान के बोनट, बम्पर, हेडलाइट और फेंडर में नुकसान आ गया है। इसके अलावा गाड़ी में कोई और डैमेज नहीं दिखाई पड़ रहा। दूसरी तरफ बुलेट में भी काम भर का नुकसान आ गया है और इसके राइडर और पिलियन को भी हेलमेट ना पहनने की वजह से काफी चोटें आई हैं। उम्मीद करते हैं वो सेफ हों। तो भाई ये था न्यू जनरेशन वर्ना का पहला एक्सीडेंट जो लॉन्च के दिन ही हो गया है। यहाँ पर वैसे तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है। गाड़ी ने एक्सीडेंट में एवरेज परफॉर्मेंस दिया है, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत बेकार। उम्मीद करते हैं ह्यूंडई ने इसे एटलीस्ट 4 स्टार लायक बनाया हो। बाकी आपको इस एक्सीडेंट और गाड़ी के बारे में क्या लगता है कमेंट में बताइए।